नमस्कार आपको सभी को। एमपी पुलिस ने आपके जितने भी नंबर आए हैं आप एक टाइम ही फिजिकल करें, क्योंकि ग्रेजुअली हम देख रहे हैं, कल भी दो तीन बच्चों का रिजल्ट आया जो 70-72 के आसपास है। इस कारण से अब ये तय है कि जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाली। एक बात और, आप पटवारी एमपीएसआई को इग्नोर मत करना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली है। और पटवारी का बैच जो है वो एमपीएसआई का लगभग 90% कवर करता है, केवल इंग्लिश को अगर हम छोड़ दें। तो अगर आप पटवारी का बैच कर रहे हो तो एमपीएसआई साथ साथ चलेगा, क्योंकि उसमें हम हिंदी भी पढ़ाने लग रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ाने लग रहे हैं और जीके का भी पोर्शन अधिकांश पढ़ाने लग रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी 6 विषय पढ़ा रहे हैं। अच्छा, दुखी होने के लिए बहुत सारी चीजें, देखो दुख तो ऐसा है कि दुख तो खत्म होने वाला नहीं है, दुख तो बहुत है। अब आप ये सोचो कि या तो चिंतन करो या चिंता करो, दो तरह की चीजें होती हैं। चिंतन में ये होता है कि आप अपने लिए पॉलिश कर रहे हो, आप अपने लिए निखार रहे हो कि और अपन क्या गलती रहेगी, देखो और सुधार करो। ये लाइनें जब तक दिल तक नहीं पहुंचेंगी तब तक नहीं आएगा, ऐसे कितना भी हम बोलते रहे। तो पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि ये बड़े डिपार्टमेंट है, एक कॉन्स्टेबल से कहीं ज्यादा बड़ा होता है एमपीएसआई। क्लियर है? अगर आप एसआई है तो कम से कम 12-15 लोग रोज आपको सलूट करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप पहली बात तो पढ़ाई को इग्नोर मत करो, बड़ी वैकेंसी और बड़े डिपार्टमेंट की जो भर्ती प्रक्रिया वो चालू होने वाली है। आप जरा एक सवाल का जवाब पर सोचो कि यदि अगले 3 महीने बाद पटवारी या एमपीएसआई आ गई तो क्या आप प्रिपेयर हो, क्या आप इसी तरह से पेपर दोगे या हम अपनी चीजों को निखारेंगे हिंदी को लेकर, खासतौर 70 नंबर की हिंदी आती है। कई बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर हमने बहुत पढ़ाई की और एमपी पुलिस का पेपर मेरा बिगड़ गया। प्यारे बच्चों एक बात और समझो आप कि अगर आप अभी दबे हो तो एक कटु सत्य सुन लेना कि अभी आपको बहुत बार ये जख्म खाना पड़ेगा। जब रिजल्ट खुलेगा तब आपको ये फिर से क्रोशा जाएगा, जब कोई व्यक्ति फिजिकल निकलेगा फिर आपको ये दर्द रहेगा, इसके बाद मेडिकल निकलेगा फिर आपको दर्द रहेगा, वो वर्दी लगाकर आएगा फिर भी आपको दर्द लगेगा। ये तय है कि जब कोई कोचिंग या परीक्षा चलती है तो उसमें से कुछ बच्चे फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं और कुछ बच्चे डाउन टू अर्थ हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि आप कब तक ये चीज का दर्द मनाओगे? अगर आप दर्द मनाना चाह रहे हो तो आपका स्वागत है, 1-2 साल आपको लगेगा, क्योंकि जब तक वो बंदा जब आपका क्लासमेट वर्दी लगा के घूमेगा तब तक आपका दिल दुखेगा। तो बेहतर यह है कि अगले 3 महीने के अंदर पटवारी एमपीएसआई आरक्षक 11,000 और कुछ महत्वपूर्ण स्पेशल वैकेंसी एसओ टाइप की, स्पेशल ऑफिसर टाइप की निकलने वाली। वर्ष 2004 चुनावी वर्ष है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वर्ष 2023 में जो है इलेक्शन ईयर है और ये हमारे लिए सिलेक्शन ईयर है। तो बेहतर ये है कि आप कितने समय तक अपना ये जो रोना है वो रोते रहे। आप रोते रहो तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ना वाला, केवल आपके मम्मी पापा को। क्लियर है? बाकी सारे लोग मजे लेने के लिए आपके लिए बैठे हैं। तो बेहतर ये होगा कि यदि आपका पेपर बिगड़ गया है तो उसी दिन से आप अगली तैयारी करो। तो मैं फिर से कोट करूंगा कि यदि आप रस्सी से फिसल रहे हो तो आप बेहतर है कि जहां तक आप चढ़ चुके हो वहां पर एक गांठ लगा लो, अब उसके आगे चढ़ने का काम करो। क्योंकि इन्हीं किताबों को पढ़कर लोग सलूट लेते हैं, लोगों को 4-व्हीलर सरकार द्वारा दी जाती है और न केवल 3 सितारे बल्कि सितारे और अशोक चिन्ह तक उनके कंधों पर होता है। तो इस दुनिया में अगर आपके पास कुछ है 23-24 तक तो वो आपकी किताबें और आपकी पढ़ाई। तो यदि आप दुख मनाना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया कि अभी आपको और दुख मनाना है और करीबन ये दुख आपका साल भर चलेगा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके क्लासमेट सिलेक्ट होते जाएंगे आपका दुख बढ़ता जाएगा।